हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 एनिमे जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी बैडास है और काफ़ी कूल है। अब यहाँ से सिंपल सा मतलब है कि काफ़ी ओवर पावर्ड है और ऐसी चीज़ें करता है जो कि काइंड ऑफ विलन टाइप की लगती है, बट वो एक्चुअली में हीरो है, ऐसी कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। सो अगर तुम इस टाइप के एनिमे को एंजॉय करते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं रेगुलर टॉप 10 वीडियोज़ डालता रहता हूँ। हो सकता है कभी इधर उधर हो जाता है एक दो दिन के लिए, जैसे कल हो गया था, बट मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ। सो अगर तुमको रेगुलर टॉप 10 कॉन्टेंट देखना है या कुछ नया देखना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, क्लासरूम ऑफ द एलीट। मैं इस एनिमे के बारे में पहले भी कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन क्या करें, ये एनिमे हर कैटेगरी में आ जाता है। ये इसमें ओवर पावर कैरेक्टर्स भी है, इसके अंदर स्मार्ट कैरेक्टर्स भी है, कोल्ड एस कैरेक्टर्स भी है, एंड साथ साथ में हमारा मेन कैरेक्टर लिटरल बैड एस कैरेक्टर है। अब कैसे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल हमारे इस एनिमे के अंदर जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पर जापान के बारे में बताया गया है। जापान एक नई एजुकेशन सिस्टम को इस वक्त में फॉलो करता है। वहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ का हूँ मैं कॉलेज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस स्कूल है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक काइंड ऑफ एग्जाम देनी होती है। जब वो आप एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम के स्कोर्स और आपके एवोल्यूशन पे बेस्ड करके आपको चार टाइप की क्लासेस में रखा जाता है, जहाँ पर क्लास ए से लेकर के डी तक होती है। डी जहाँ पर कोई भी टाइप का प्रिविलेज नहीं होता और यहाँ तक कि ढंग से बैठने के लिए सीट्स तक नहीं होती और ना ही कोई स्टाफ आता है आपको पढ़ाने के लिए ढंग से। वहीं पर क्लास ए में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और लिटरली वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस रहता है। इसी वजह से कई सारे कैरेक्टर जो कि डी में रहते हैं वो अपने आप को रैंक अप करना चाहते हैं और अपने आप को उसमें डालना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्लासेस का नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्लासेस का एवोल्यूशन जरूर चेंज कर सकते हैं। इट मींस कि वो लोग चाहे तो जो कोर्सेज और जो प्रेस्टीज, जो लग्जूरियसनेस क्लास ए को मिल रही है वो क्लास डी को भी मिल सकती है, लेकिन उनको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और एग्ज़ाम पूरे क्लास की एबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि लिटरली ऐसा लगता है कि जानबूझ के क्लास डी में आया है और पोकर का टाइम पास कर रहा है क्लास डी में, क्योंकि कैरेक्टर एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड, साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा बैडास दिखता है, साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और साथ कुछ और सीक्रेट्स भी है इसके अंदर जो कि मैं यहाँ वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि इस वक्त में इसके दो सीजन्स हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड्स की वजह से ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। सो अगर तुमको एक लिटिल अच्छा एनिमे देखना है विद काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 9, साइकोपास। अब इस एनिमे के अंदर 22 सेकंड सेंचुरी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जापान एक नई टाइप की क्रिमिनल जस्टिस को फॉलो करता है या कहूँ सिस्टम को फॉलो करता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जिस भी इंसान के अंदर जरा सी भी उनको ईविल इंटेंशन या फिर विलेनस इंटेंशन भी दिखती है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि सिंपली उनको मार दिया जाता है। अब इनको मारने के लिए वो दूसरे क्रिमिनल्स जिनको लगता है कि इनके अंदर ईविल इंटेंट है उनको हायर करते हैं, हायर कहे या फिर उनको अगवा कर लेते हैं और बोलते हैं भाई हमारे लिए काम करो वरना हम तुमको मार ही देंगे। तो वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर और ये एनिमे पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल स्टफ के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पे होता क्या है कि जब एक नई वुमन जो कि फोर्स में नई आई है इस पुलिस फोर्स में, वो जब पहली बार एक ऐसे केस को देखती है जहाँ पर इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है कुछ दूसरे ऐसे लोगों को मारने के लिए जिनके अंदर इविल इंटेंट है, सो उसको पता चलता है कि ये जो सिस्टम है ये उतना सही नहीं है। लाइक रियली ब्रो, उसने अभी तक कुछ करा भी नहीं है और तुम उसको ऑलरेडी मार रहे हो। वहीं पर कुछ और लोग हैं जिन्होंने लिटरली कुछ नहीं करा और वो लोग उसको मार रहे हैं। काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर एनिमे को देखोगे तो समझ जाओगे कि एनिमे को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल स्टफ पे बेस्ड है। बिकॉज जो वुमन रहती है वो इस सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में ये जो वर्ल्ड है, ये जो सिस्टम है, ये एक्चुअली में सही में काम करता है या फिर इस सिस्टम ही खुद करप्टेड है और जो ऊपर पावर हंग्री लोग हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये देखना आपको पड़ेगा। इस एनिमे के अंदर बहुत सारे सीजन हैं, बहुत सारे ओवीज हैं, सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मज़ा आया मुझे मैंने जब इस एनिमे को देखा था। नंबर 8, ब्लैक बटलर। अब इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके डार्क टाइम में सिंपली एक डीमन से कांटेक्ट करता है और उसको अपना सर्वेंट बना लेता है, विल एक्सचेंज फॉर हिज सोल ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं नहीं बता सकता। अब वो इंग्लैंड में उसकी मैजेस्टी के लिए काम करता है, इट मींस वहाँ की क्वीन के लिए, और कुछ ऐसे काम वो करता है जो कि काइंड ऑफ अजीब है, लेकिन आपको देखने पड़ेंगे। अब हमारा जो बटलर है ये स्पेशल बात है क्योंकि ये दोनों ही एनिमे के मेन कैरेक्टर्स हैं और सो जो बटलर है उसके पास बहुत ही इनह्यूमन पावर्स है। लाइक लिटरली वो अपने एक हाथ से पूरी की पूरी चलती ट्रेन को रोक देता है विदाउट इवन ए स्क्रैच और बस वहाँ से चल देता है। ये सीन मैंने देखा था और इसके बाद से ही मैं इस एनिमे के लिए इंटरेस्टेड हो गया था। अब यहाँ पे जो हमारा डीमन है वो इसके दूसरे मेन कैरेक्टर को जो कि बॉय है जिसका नाम था सील था आई थिंक, यस, सो उसको फॉलो करता है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है और वो वेट कर रहा है कि जब सील की मौत होगी तो वो सील के सोल को डिवावर कर ले
और उसकी वो मील कितनी अच्छी होगी। लेकिन इन दोनों के इस कनेक्शन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और वो बॉन्ड ना तो हेवन ना तो हेल और ना ही कोई और तोड़ सकता, ऐसा ही कुछ इसका डिस्क्रिप्शन कहता है। लेकिन ये एनिमे जितना सरफेस पे दिखता है उतना है नहीं, अंदर और भी चीज़ें हैं जो कि लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ साथ में कुछ ऐसे मिस्टीरियस स्टफ है और प्लॉट ट्विस्ट है जो कि काफ़ी मज़ा देते हैं इस एनिमे को देखने में। ब्लैक समनर, अब देखो ब्लैक समनर एक इसेकाई एनिमे है जहाँ पे जापान से कैरेक्टर उठ करके सिंपली दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो दूसरे वर्ल्ड में जाते रहता है तब उसको एक गॉडेस मिलती है। गॉडेस बोलती है कि भैया तुम अपनी पुरानी मेमोरीज के बदले एक नई पावर ले सकते हो, और वो अपनी सारी मेमोरीज को छोड़ देता है, कुछ मेमोरीज को छोड़ करके, और उसके बदले में एक बहुत ही अच्छी एस क्लास समनर क्लास लेता है। अब समनर क्लास के लेने के बाद गॉडेस को एक और बात बोलती है कि अगर वो कंपेनियन चाहे तो वो ले सकता है, और क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि शायद उस गॉडेस के प्यार में पागल पड़ गया है तो वो गॉडेस को चुनता है एज हिज फर्स्ट कंपेनियन। बट वो जब इस वर्ल्ड में असेंड होता है उसको पता चलता है कि उसके पास इतने मैजिक पॉइंट नहीं है कि वो गॉडेस को यहाँ पे समन कर सके, सो वो अपने आप को लेवलअप करना शुरू करता है, सिंपली ग्राइंड करता है, बहुत सारा ग्राइंड, और बेसिकली ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। अब देखो इसकी डिस्क्रिप्शन से तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जेनरिक इसेकाई एनिमे है जहाँ पर तुमको हैरम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एनिमे के अंदर से मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात करी गई है, और भी सारे सीक्रेट है, जैसे कि गॉडेस इसी को क्यों समन करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ओके गॉडेस एक्चुअली में कौन है, और भी सारे कैरेक्टर है इसके अंदर। काइंड ऑफ तुमको लगेगा कि भाई बहुत ही सिंपल है और 13+ एनिमे बच्चों के लिए है, लेकिन सच में इसके अंदर बहुत सारा आर रेटेड स्टफ है, बहुत सारे वायलेंस है, बहुत सारा गोर है, और एक और चीज़ है जो कि मैं ऐसे बोल नहीं सकता। सो अगर तुमको देखना है सो डू चेक आउट दिस एपिक इसेकाई एनिमे, जो कि शायद अगर इस टाइप के और एनिमेज आए जैसे कि मैंने मांगा पढ़ी है सो शायद इसेकाई जॉनरा को ये लोग बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। नंबर 6 अरिफुरेता, अब अरिफुरेता भी इसेकाई एनिमे है लेकिन दूसरे एनिमे से अलग ये एनिमे रिवेंज बेस्ड है। इट मीन्स यहाँ पर होता क्या है कि जब मेन कैरेक्टर इस नए वर्ल्ड में आता है तब उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो उसको बिट्रेल कर देते हैं। दरअसल जब मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड में आता है तब वो अकेला नहीं आता है, वो उसकी पूरी क्लास और साथ में उसके टीचर के साथ में भी इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। अब इनको यहाँ पे लोग हीरोज मानते हैं और सबके पास कोई ना कोई स्पेशल टाइप की क्लास या फिर कोई एबिलिटी होती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बहुत ही सीमिंगली और किसी काम की नहीं, मतलब लिटरली कॉम्बैट में किसी काम की नहीं वो एबिलिटी वो होती है। अब इसी वजह से कुछ लोग उसको काइंड ऑफ रोस्ट बोलते हैं और ये समझ लो कि वो एफ क्लास हीरो है, और ये स्टोरी जीरो टू हीरो वाली स्टोरी पे डिपेंड है। एनिमे के अंदर जब उसको वो लोग बिट्रे करते हैं तो उसको एक डंजन के अंदर फेंक देते हैं। अब क्योंकि उसको सरवाइव करना है और वहाँ ना खाने और पीने के लिए कुछ है, सो भाई पूरी तरीके से वायलेंस पे आ जाता है और उसकी पर्सनालिटी वहीं पे चेंज हो जाती है। दरअसल ये बीस्ट को मारता है जिनको नॉर्मल लोग खा नहीं सकते और इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के बाद ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा रॉ पावर गेन करना लगता है। फिर डंजन में घूमते घूमते उसको एक एल्फ मिलती है जो कि काइंड ऑफ इमॉर्टल है और उसको अपने साथ लेकर के ये अपने एडवेंचर्स करता है। अब आगे क्या क्या होता है, वो उसके फ्रेंड से कब मिलता है, उनको किस तरीके से मारता है, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। और साथ में और भी चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ अच्छी नहीं लगी मुझे इसके अंदर, बट स्टिल अब इस एनिमे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, और इसके आगे की मैंने जैसे कि नॉवल पढ़ रहा हूँ इस वक्त में, सो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसके और भी एपिसोड्स और भी सीजन्स आए तो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होगा ये इसेकाई जॉनरा के अंदर ब्लैक समनर के जैसे ही। नंबर 5, अब इस एनिमे का जो जापानीज नाम है काइंड ऑफ मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता लेकिन मैं ट्राई जरूर करूँगा, मांडाजी ताची। ओके मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत प्रोनाउंस करा है बट स्टिल बेयर विथ मी। एनिमे का मेन फोकस होता है 3 कैरेक्टर्स पर जहाँ पर एक मेल है और 2 फीमेल्स है। तो इसलिए होता क्या है कि ये लोग हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में, लेकिन इनके पास साइकिक पावर्स है, लाइक बहुत ज़्यादा ओपी पावर्स। सबके पास अलग अलग डिफरेंट पावर्स होती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतनी ज़्यादा रॉ स्ट्रेंथ होती है कि लिटरली वो कुछ भी कर सकता है। पर उसको एक दिन एक लेटर मिलता है, इन तीनों लोगों को एक लेटर मिलता है और तीनों लोग एक नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जिसका नाम होता है लिटिल गार्डन। वहाँ पर उनको एक काइंड ऑफ बनी गर्ल मिलती है जो कि इनको समझाती है कि ये लिटिल गार्डन है क्या, और अगर उनको एडवेंचर करना है तो उनको एक हाई स्टेक गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और इसके लिए उनको किसी क्लान को ज्वाइन करना होगा। और इस तरीके से ये लोग इनके एडवेंचर पे निकल जाते हैं जहाँ पे वहाँ के कुछ लोगों को सेव कर रहे हैं। देखो इसका डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं है लेकिन एनिमे बहुत अच्छा है, 10 एपिसोड है शायद इस एनिमे में और बहुत ही तगड़ा एनिमे है ये। नंबर 4 अटैक ऑन टाइटन। आई नो अटैक ऑन टाइटन को तुम सोचोगे बोलोगे भाई इसके अंदर तुझे क्या बैड एस और कूल दिख रहा है, लाइक लिटरली ब्रो तुमने शायद अटैक ऑन टाइटन फिर देखा नहीं है। दरअसल अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कि एरन येगर की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एक समय जहां पर वो टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इस वक्त में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को शायद डिस्ट्रॉय करना चाहता है। काइंड ऑफ स्पॉयलर्स नहीं दूंगा बट इतना समझ लो कि सीजन 4 के बाद उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज हो जाते हैं और लिटरली वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो कि कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकता।
वाओ सिंपली एक बैड एस कैरेक्टर बन जाता है। एरन येगर इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। इस एनिमे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एनिमे में कुछ वॉल्स है और वॉल्स के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दरअसल ये लोग अपने आप को टाइटन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन वॉल्स के अंदर रह करके। ये टाइटन्स इन लोगों पे अटैक करते हैं और इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों, बट जैसे जैसे एरन येगर वहाँ के टाइटन्स को मारना शुरू करता है, मतलब एक कॉर्प को ज्वाइन करके, आर्मी को, मिलिट्री को ज्वाइन करके, और जैसे जैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं कि क्यों अटैक टाइटन्स यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, और एक्चुअली में और भी सारी चीज़ें जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता। लिटरली अटैक ऑन टाइटन के अंदर इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट है, इतने सारे क्लिफ हैंगर्स है कि कई बार मैं सोचता था कि भाई तूने 56 एपिसोड्स के अंदर इतनी एपिक स्टोरी कैसे लिख दी। सो अगर आपके पास टाइम हो एक बहुत ही एपिक ट्विस्टेड और काइंड ऑफ बैडएस कैरेक्टर्स देखने की, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, जॉबलेस रिकार्नेशन। अब जॉबलेस रिकार्नेशन फिर से एक इसेकाई एनिमे, लेकिन दूसरे इसेकाई एनिमे से अलग, यह एनिमे के हर कैरेक्टर अपने आप में एक यूनिक है। दरअसल इस एनिमे के अंदर भी हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक 33 ओल्ड पर्सन रहता है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और एक नए वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन वो नए वर्ल्ड में उसकी फुल बॉडी के साथ नहीं, दरअसल एक बच्चा बन के आता है। दरअसल वो अभी अभी जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद पूरी मेमोरीज है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, मतलब क्योंकि वो बच्चा है और उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंट हाई है, यू गेट द स्टफ राइट। सो होता क्या है कि वो यहाँ वर्ल्ड में ओवर पावर्ड है, दरअसल क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जानता है फ्रॉम द साइंस तो दैट वी यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री अदर थिंग्स, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन बात यह रहती है कि यहाँ पे सिर्फ उस कैरेक्टर के बारे में ही नहीं बात करी है इन्होंने, इस एनिमे में उन लोगों ने हर कैरेक्टर के बारे में बात करी है, उनकी बैक स्टोरी हमको बताई है नरुतो और वन पीस जैसे, और कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि जब आप एनिमे को सिर्फ मेन कैरेक्टर सेंटर्ड नहीं बनाते हो, बल्कि उसको ऑलराउंड कर देते हो और ऐसा करते हो कि वो सीरीज नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक वर्ल्ड है जिसको तुम पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो यही इस एनिमे की स्पेशलिटी है, अगर मैं कहूँ इसे कहीं सॉनरा के अंदर। बाकी सब तो तुमको सिमिलर डिस्क्रिप्शन ही मिलेगा कि भैया वो कैसे बड़ा होता है और पावर बनता है वगैरह वगैरह, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो मैंने बता दी। अगर आपके पास टाइम हो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे देखना हो विद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बैडस लगता है कभी कभी, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 2, ओवरलॉर्ड। अब ओवरलॉर्ड का कैरेक्टर लिटरल बैडस है क्योंकि ये स्कल है और सूड ऐसे स्केलेटन जिसके ऊपर स्कल है, व्हाटएवर। और ये एनिमे भी एक्चुअली में एक इसेकाई एनिमे, या मैंने बहुत सारे इसेकाई एनिमेस ले लिए इस लिस्ट में, बट क्या कर सकता हूँ, बैड एस कैरेक्टर मुझे वहीं पे दिख रहे हैं ज़्यादातर। ओवरलॉर्ड की स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक गेम है, वो गेम हमारा मेन कैरेक्टर बहुत समय से खेल रहा है और अब उसका वो कैरेक्टर मैक्स लेवल पहुंच चुका है हर चीज़ में, मैजिकल, फिजिकल स्टैट, एवरीथिंग, क्विंगस, एवरीथिंग। वहाँ के बहुत बड़े गिल्ड का लीडर भी है, उस गिल्ड के उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बना रखी है, या सुड ऐसा बिल्डिंग बना रखी है उस गेम के अंदर। गेम के सर्वर कुछ ही टाइम में बंद होने वाले और हमारा मेन कैरेक्टर इस लास्ट मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, वो गेम में फिर से लॉगिन करता है और वेट करता है गेम के सर्वर का बंद होने का। लेकिन जब गेम के सर्वर बंद होते हैं तो वो वर्ल्ड से बाहर नहीं जाता, वो वर्ल्ड में अटक जाता, और जितने भी कैरेक्टर्स जो कि उसके गेम में थे उन सब के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, मतलब वो लोग खुद के लिए सोच सकते हैं। और इसी तरीके से मेन कैरेक्टर अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई और भी व्यक्ति है जो कि फंसा हुआ है इस वर्ल्ड में। लेकिन उसके मेन कैरेक्टर उसके एक्सप्लोरिंग को जरा थोड़ा गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि बंदा वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहता, और इसी तरीके से हमारे से स्कल का वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान स्टार्ट होता है, जहाँ पे इसको आधे टाइम खुद भी नहीं पता होता कि प्लान है क्या, लेकिन हमें हाँ मिला देता है। बट लिटरली जब ये फाइट के सीन पे आता है, सो दिस कैरेक्टर इज अ फकिंग बैड एस भाई, मिलियंस ऑफ लोगों को मार देता है जस्ट टू प्रूव कि ही इज द स्ट्रॉन्ग। नंबर 1, मिसफिट ऑफ द डेमन किंग एकेडमी। अब इस लिस्ट का सबसे बैड एस कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर ही है इस एनिमे का। होता क्या है, एक सीन बताता हूँ आपको जहाँ पर मेन कैरेक्टर फाइट करता रहता है किसी से और अगला बहुत ही ऑर्डिनेट पर्सन रहता है जो कि इसको बोलना चाहता है या आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वगैरह वगैरह। सो हमारा मेन कैरेक्टर उसको दिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ क्या होती है, वो उसको इतने बार मारता है कि वो खुद भी काउंट भूल जाता है, बार बार उसको मारता है और उसको रिवाइव करता है, मतलब कि डेड टू अलाइव वाला सीन, ठीक है, उसको मारता है फिर जिंदा करता है फिर मारता है फिर जिंदा करता है और तब तक मारता है जब तक कि वो पर्सनली हार नहीं मान लेता। इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि दो कैरेक्टर्स है, समझ लो कि हीरो है और एक डीमन लॉर्ड है, इन दोनों के बीच में बहुत समय से झगड़ा चल रहा है, लेकिन हीरो और डीमन लॉर्ड एक ट्रीटी पे आते हैं कि वो लोग इस वर्ल्ड को सेव करेंगे। डीमन लॉर्ड अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर को क्रिएट कर सके। अब ये बैरियर को क्रिएट करने के बाद डीमन लॉर्ड का एक प्लान होता है कि वो आगे जाके रिकार्नेट होगा फिर से, और जब वो रिकार्नेट होता है वापस 2000 साल बाद वो वापस रिकार्नेट जब होता है तो वो देखता है कि किसी ने
वर्ल्ड की हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी है, उसकी सारी अचीवमेंट, उसने जो भी करा है वो सबको हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। कोई नहीं जानता उसका रियल नेम क्या है और कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में डीमन किंग कौन है, मतलब उसकी जगह कोई और आके बैठ गया है जो कि बोलता है कि उसने सब कुछ सेक्रीफाइस करा है। और लास्ट में इतना बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि वो एक्चुअली में है कौन, वो वन ऑफ द बेस्ट सीन था आई थिंक। सो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो लिटरली पावर हाउस है और अब उसको अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ वो असली डीमन किंग है। तो बताओ वो कैसे प्रूफ करेगा? यस, वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिखाता है, लाइक लिटरली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन हिज पाथ विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। ही इज अ डीमन किंग आफ्टर ऑल, ही कैन डू दैट। सो इस तरीके से इस एनिमे का एपिक जर्नी स्टार्ट होती है जो कि आपको चेकआउट करनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ अबाउट टॉप 10। और इस समय मैं कुछ फाइट सीन्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, एक इवेंट भी आने वाला है जहाँ पर जो कमेंट में बोल रहे थे ना रिवॉर्ड, मुझे खुद नहीं पता। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे को इन्होंने बताया कि मैं खुद शामिल, मतलब लीडर को खुद नहीं पता था कि वो किसी इवेंट में, जैसे मेरे एक टीममेट ने बताया कि भाई तू इवेंट में वगैरह वगैरह। सो या व्हाटएवर, अभी देखते हैं रिवॉर्ड्स का क्या है, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, अगर हो सके तो आपको अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। सो आई होप इस वीडियो में आपको एंजॉय करा होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।